सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं तीज की सवारी देखने, देखने इटोलिया गेट के पास। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ। तो ये हमने अपना फ्लैट है वो लॉक कर दिया है, अब हम लोग जा रहे हैं। सूरज देखने जा रहे हैं तीज की सवारी, जो जयपुर में बहुत प्रसिद्ध होती है तीज की सवारी। और यहाँ ये फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो मैं, मेरी सासू जी और सूरज जी जा रहे हैं, तो हम आगे आपको सबको दिखाते हैं। यहाँ हम एंटर हो गए चांदपुर गेट के अंदर। गेट में आपको दिखा नहीं पाएंगे, वो बंद कर रखा है ना आज, ज़्यादा भीड़ और ट्रैफिक की वजह से। यहाँ पर टू व्हीलर अलाउ है बस, बाकी सब लोग देखो पैदल जा रहे हैं। पूरा चांदपोल का एरिया। यहाँ से हम लोगों को चलना पड़ रहा है पैदल, बिकॉज आगे बहुत भीड़ है। तो आप देख सकते हो बहुत आगे है। सासू जी कहाँ हैं? मेरे मम्मी, ये सासू जी मेरे, ये सूरज जी थे। हाय, थक गए बेचारे अभी। चलते चलते तो आगे चलते हैं मेले की तरफ, जो बहुत अच्छा फेस्टिवल यहाँ पे होता है। मेरी आवाज़ पता नहीं प्रॉपरली आपके पास पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, बट सीरियसली बहुत देखने लायक ये फेस्टिवल होता है यहाँ का। और बोला जाता है और माना भी जाता है कि आज से तीज के त्यौहार से सब कुछ फेस्टिवल यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। तो मेले की भीड़ मैं आपको दिखाती हूँ। लोग पैदल ही चल रहे हैं, देखो बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है। अब मैं दर्शन करवाती हूँ आपको तीज माता की।
माता की। बना लो आराम से। मैंने जो जिका फेंका था पूरा पूरा पहुंचा था। फेंको फेंको लोग अलग अलग तरह से अपनी मन्नत लेके आते हैं बांध के। बहुत से आ रहे हैं, देखो आगे भी आ रहे हैं, दिख रहे हैं आपको वीडियो में प्रॉपरली। आगे भी देखो आ रहे हैं, मन्नत लेके आते हैं लोग अपनी। भीड़ देख सकते हो भाई साहब, ना ट्रू के ना वो क्या टू व्हीलर है ना कुछ और है। देखो ये देखो हमारे खाटू श्याम बाबा आ रहे हैं, वो साथ में भोलेनाथ। जय श्री श्याम। देखो श्याम बाबा, लोगों की भीड़ देखो, कितने लोग इनको थाम के रख के आते हैं, कितने संभाल संभाल के। देखो आप देख सकते हो, ये भोलेनाथ की हर हर महादेव। शॉप्स इसके पीछे है और बहुत सारी शॉप्स इसके आगे है, मैं तो पता नहीं कहाँ हूँ। ये यहाँ पे एक मंदिर है छोटा सा महाकाल का, चांदपोल की प्रसिद्ध। यहाँ पे बहुत सारे आइटम मिलते हैं चाट पकौड़े के, मुझे यहाँ की स्पेशली आलू टिक्की बहुत पसंद है। भीड़ देख सकते हो आप चांदपोल में है। ये चांदपोल का मेन गेट है, यहाँ पे छोटा सा है बट अंदर से चांदपुर बहुत बड़ा है। सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो आज हम गए थे तीज माता की सवारी देखने। जयपुर का बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है और यही माना जाता है कि तीज से राजस्थान में सब त्योहार वगैरह सब शुरू हो जाते हैं। तो आज हम लोग गए थे, मैं गई थी, मेरे सासू जी गए थे और सूरज जी के साथ हम तीनों गए थे। भाभी अभी यहाँ है नहीं इसलिए हम तीनों ही गए थे। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, एकदम राजस्थानी सब कुछ, ऊंट घोड़े हाथी सबको देख के बहुत अच्छे तरीके से ये तीज माता की सवारी निकली थी। काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो वीडियो बनाते हुए भी। तो आप मुझे वीडियो देखना और उसमें कमेंट करना, बताना आपको कैसा लगा, कुछ कमी रह गई हो तो वैसे कमेंट करके बताना। सो नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से बनाऊँगी, ट्राई करूँगी अच्छा सा। तो इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ करना, थैंक यू। गणगौर राजस्थान का सबसे लास्ट फेस्टिवल होता है। गणगौर के बाद मतलब एक बार के लिए फेस्टिवल महीने दो महीने के लिए एकदम बंद हो जाते हो, जैसे तीज आती है तो फेस्टिवल वापस शुरू हो जाते हैं। वो एक मारवाड़ी में कहावत है ना कि तीज त्योहार बावड़ी सब ले डूबी गणगौर, ये एक राजस्थान में कहावत है कि गणगौर के बाद मतलब गणगौर माता जब अपने ससुराल जाती है तो सब कुछ त्यौहार अपने साथ ही लेके चली जाती है, और जैसे ही तीज आती है तो गणगौर के बाद सारे त्यौहार आ जाते हैं। तो मैं अभी गई हुई थी मेरे मायके, मेरी फर्स्ट गणगौर थी, उसका भी ब्लॉग मैंने डाला है तो आप एक बार देखना, वो भी बहुत अच्छा बनाया था मैंने। सो उसको भी ढेर सारा प्यार देना, थैंक यू।